हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम एट द स्टडी 91 चैनल। मैं नागेंद्र मिश्रा आज एक बार पुनः उपलब्ध हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आपसे कई बार वायदे किए थे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए हम कई प्रकार के क्वेश्चंस सेट करने के लिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसके लिए हमने एक प्लान बनाया। और उस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने स्वयं बैठकर कुछ क्वेश्चंस सेट किए। अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं आज टेस्ट पेपर के लिए। आप लोगों के बराबर कॉमेंट आते रहते हैं, सर MCQ बनवाइए, सर टेस्ट लेते रहिए, जिससे हम लोगों का क्या हो जाए, रिपीटिशन होता रहे। आप जो पढ़ा रहे हैं, अब तक मेरे लगभग 31 लेक्चर्स प्रोवाइड हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि टेट के दृष्टिकोण से या सीटेट के दृष्टिकोण से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अभी तक महत्वपूर्ण के तौर पर छूटा हुआ है। किंतु मुझे भी अंदर से यह महसूस हुआ कि मेरे बच्चे या मेरे दोस्त या मेरे भाई जो पढ़ रहे हैं, उसमें उनका क्या रिस्पांस है, उस रिस्पांस को चेक करने के दृष्टिकोण से मैंने इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। इस टेस्ट को मैंने बाकायदे अपने हैंडमेड रिटन से क्वेश्चन तैयार किया, फिर उसको मैंने टाइपराइटर से टाइप करवा कर आप लोगों के लिए जो है इस तरीके से मैंने तैयार किया। तो डियर गाइस, निश्चित तरीके से यह जो प्रश्नों का सेट बनाया गया है, ये जो 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेट किए हैं, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बात है कि इस प्रश्नों की जो श्रृंखला को मैंने सेट किया है, ये फैक्चुअल होने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर भी है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर भी है, जिससे आगामी परीक्षा 8 दिसंबर को सीटेट होने वाला है और सीटेट के दृष्टिकोण से भी आपको यह कारगर साबित हो। इसी क्रम में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है, वह यह बात है कि इस जब टेस्ट को मैंने बनाया, तो इस टेस्ट को मैंने ध्यान में रखते हुए लगभग 8 से 10 चैप्टर को मैंने इंक्लूड किया है, जिससे आप प्रत्येक चैप्टर का पुनरावलोकन कर सकें। और इस टेस्ट पेपर पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करते समय प्रत्येक क्वेश्चन पर इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करते हुए चलेंगे। और जितने भी विकल्प मौजूद हैं, सबके बारे में जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन पे हमारी बातें आपसे होगी। ओके गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना समय जाया किए अपने टेस्ट को आज शुरुआत करते हैं। और आप लोग ईमानदारी से, विद ऑनेस्टली, अपने आप को असेसमेंट करिए कि आप कहां पर हैं, आप अपने आप को कहां पर पाते हैं, आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि इन प्रश्नों का असेसमेंट करने के बाद ईमानदारी से अपना स्व मूल्यांकन करके, अपना सेल्फ इवोल्यूशन करके, आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए, सर मेरे इतने प्रश्न सही आए। ये लगभग मुझे लगता है 20 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कम है। हमारे इस टेस्ट पेपर में 19 क्वेश्चन ही मैं सेट कर पाया, क्योंकि उस समय थोड़ा सा समय अभाव के कारण 19 क्वेश्चन सेट किए गए हैं। और इसमें आप ईमानदारी से ये कमेंट करके बताएंगे, सर आपके 19 क्वेश्चन से मेरे 15 सही हुए, मेरे 13 सही हुए, या मेरे 19 के 19 सही हुए। इस चीज को आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। और कोशिश हो, अगर जिन जो लोग इस समय तात्कालिक तरीके से लाइव हैं, वो अपने प्रश्नों का उत्तर हमें तत्काल रिप्रेजेंट करते रहें, क्योंकि मैं आपके कमेंट को ध्यानपूर्वक देखकर आपको रिप्लाई करता रहूंगा। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पर आपको लगता है कि आपने कहीं कुछ और पढ़ लिया है, या कोई उत्तर आपको कंट्राडिक्टरी लगता है, कोई आंसर आपको कंट्राडिक्टरी लगता है, तो आप निश्चित कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए। ओके गाइस, तो बिना समय जाया किए हम लोग अपने टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज के वो 19 हॉट क्वेश्चंस कौन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपकी सफलता के मार्गदर्शन के लिए बनाए गए हैं, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में महती भूमिका निभाएंगे। ओके गाइस, तो एक बार आते हैं हम लोग बिना समय जाया किए स्क्रीन पर चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चन सेट किए हैं, मेरा हमेशा ये टारगेट होता है कि मैं जब भी टीचिंग करता हूं, मेरे टीचिंग की एक सबसे बड़ी खासी बात, मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता आया हूं, क्योंकि एमएड का स्टूडेंट रहा हूं, शिक्षा शास्त्र का छात्र होने के कारण मैं हमेशा इंडक्टिव मेथड का विशेष प्रयोग करता हूं, जिससे आप लोग क्या करें, मेंटली अपने आप को अडेप्ट कर लें, अनुकूलित कर लें, उसके तत्पश्चात आप अपना उत्तर दें। तो डियर गाइस, स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न हमारा आ गया है, वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर गाइस ये, कि लास्ट ईयर सुपर टेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने इसके गलत उत्तर दे दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो डियर गाइस, मैं आपको बता दूं, वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय जो दिया था वो गाल्टन महोदय ने दिया था। फिलहाल इस क्वेश्चन पर मैं आपसे लोगों से डिस्कशन भी कर चुका हूं, और जब मैंने अपना लेक्चर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ाया था वैयक्तिक भिन्नता, उस समय मैंने आपको बताया था। डियर गाइस, इसका उत्तर मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो
आंसर इस क्वेश्चन का होगा, इस क्वेश्चन के आंसर है फ्रांसिस गैल्टन, और फ्रांसिस गैल्टन की अपनी एक पुस्तक है, वो भी आप जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर्स क्या होते हैं, एग्जाम को टफ करने के दृष्टिकोण से किताब के नाम पूछ लेते हैं। तो ये फ्रांसिस गैल्टन महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय दिया था, और इनकी किताब है द हेरिडिटी जीनियस। कौन सी दोस्तों, कौन सी किताब है? द हेरिडिटी जीनियस। इसी किताब में उन्होंने जो है सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय दिया है। तो आप ये पुस्तक भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है द हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है। दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं युंग साहब। तो युंग ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रमुख प्रकार बताए हैं। कौन से? इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कि यह विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी थे। फ्रायड के बारे में आप लोग जानते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मन को तीन स्तरों में बांटा है, इदम, अहम, परा अहम, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन की संकल्पना इन्हीं की है। और इन्होंने मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस और जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहा है। मैं उन प्रश्नों पर विशेष तौर पर जिक्र करता चल रहा हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। डियर गाइस, नेक्स्ट विकल्प जो है वो रूसो, जिनको आप जानते हैं, ही वाज द फादर ऑफ द नेचुरलिज्म, जो प्रकृतिवाद के जनक भी माने जाते हैं। इनकी दो प्रमुख चर्चित रचनाएं हैं, उसको आप याद रखिएगा, प्रमुख कृतियां हैं दो इनकी जो याद रखिएगा, पहली एमिल और दूसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों ही पुस्तक इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। एमिल में इन्होंने अपने शैक्षिक विचार का प्रतिपादन किया है, और एमिल के माध्यम से ही इन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षा का निरूपण किया है। और इसके साथ साथ इन्हें क्या माना जाता है, ही वाज द फादर ऑफ द प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद के ये जनक भी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों विकल्प पर बात कर ली। गाल्टन क्या है? फ्रांसिस वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो गाल्टन ने दिया। गाल्टन को फ्रांसिस गाल्टन का पूरा नाम है। इनकी किताब है द हेरिडिटी जीनियस, इसमें इन्होंने वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय दिया था। युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और व्यक्तित्व की संकल्पना से संबंधित है। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है, और इनकी बहुत चर्चित किताब है एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ साथ इनका एक कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इनका मतलब रूसो का, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सतत बेड़ियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और इनकी एक बस सबसे बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है कि माँ बालक की प्रथम एवं उपयुक्त परिचायिका होती है, यह स्टेटमेंट भी रूसो का है। रूसो का एक स्टेटमेंट और इंक्लूड करते चलते हैं, इन्होंने कहा था कि प्रकृति में समस्त वस्तुएं पवित्र रूप में आती हैं, किंतु मनुष्य के हाथ में आते ही वह क्या हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं, ऐसा स्टेटमेंट रूसो का था। ओके गाइस, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निश्चित तरीके से इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और यह अगर आपने लेक्चर अटेंड किया तो बहुत आसानी से आप इस चीज को देख ले रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से संवेग की विशेषता नहीं है। डियर गाइस, यहां पे आपको बताना है जो इमोशन होता है, जो हमारे संवेग होते हैं, उनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देयर आर फोर पॉइंट्स, यहां पे चार बिंदु दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट है संवेग संचयी होता है, और आप एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको यह ध्यान देना है कि संवेग की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन पर सबसे पहले ही फोकस कर लीजिएगा, क्या नहीं है। तो क्या नहीं के अंतर्गत सबसे पहला विकल्प हमारा जो है वो है संवेग संचयी होता है। तो निश्चित डियर गाइस, मैंने आपको बताया था कि संवेग क्या होता है, यह संचित होता है हमारे अंदर, और जब तक हम अमुक इच्छा को प्राप्त, अमुक चीज को प्राप्त नहीं कर लेते, या हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक यह हमारे अंदर क्या होता है, संचित होता है। दूसरा विकल्प है संवेग विकीर्ण होता है। विकीर्ण का मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई चीजें फैलती हैं तो उसे हम लोग डिफ्यूजन, या हिंदी, शुद्ध हिंदी में उसे विकीर्ण शब्द बोलते हैं। और संवेग विकीर्ण होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक हमारे संवेग क्या होते हैं, हम किसी चीज के लिए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं या यथास्थिति में जब तक हम अनुकूलित नहीं कर लेते, यह क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट विकल्प है संवेग में शारीरिक परिवर्तन होता है किंतु मानसिक परिवर्तन नहीं होता। डियर गाइस, यही स्टेटमेंट यहां पे क्या है, यह स्टेटमेंट जो है यह संवेग की विशेषता नहीं है। इसमें से जो आधी पंक्ति है अर्थात हाफ सेंटेंस जो है वह बिल्कुल सही है, जबकि हाफ सेंटेंस गलत है। संवेग में शारीरिक परिवर्तन होने के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? संवेग में शारीरिक परिवर्तन होने के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेग की यह विशेषता जो है यह नहीं होती,
जबकि संवेग का स्वरूप अभिप्रेरणात्मक होता है। अब प्रेरणात्मक क्यों होता है? क्योंकि संवेग का जन्म किसी आवश्यकता के अनुरूप होता है और यह जब तक नहीं पूर्ण हो जाता तब तक हमारा संवेग उधर ही क्या रहता है, उस दिशा में ही क्या रहता है, डिराइव होता रहता है, चलायमान होता रहता है। अर्थात जैसे मान लीजिए आप क्रोधित हैं, तो क्रोधित क्या है, क्रोधित का एक टाइम पीरियड है। जब तक आप किसी चीज के लिए क्रोधित हैं तब तक क्रोधित रहेंगे, लेकिन जब अमुक वस्तु प्राप्त हो जाती है तब आपका क्रोध शांत हो जाता है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से संवेग की विशेषता नहीं है, इसके अंतर्गत हमारा विकल्प सी सही होगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या आता है स्क्रीन में। संवेदना से संबंधित कथन सत्य हैं। डियर गाइस, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको याद होगा तो, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण। और संवेदना से विगत वर्ष टीटी में एक प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है या राम पढ़ रहा है, आपने उसे आवाज दिया तो किस संवेदना के कारण वह आपकी तरफ प्रतिक्रिया करेगा। तो जब आप उसे आवाज देंगे तो वो आवाज जाके उसके कान से टकराएगी, अर्थात उस पर ध्वनि संवेदना का असर होगा। और मैंने यह भी बताया था कि संवेदना जो होती है ये प्रारंभिक मानसिक क्रियाएं होती हैं जिनका महज आभास मात्र होता है। इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें परिपक्वता का अभाव होता है, विभेदीकरण का अभाव होता है। फिलहाल बिना समय जाए कि हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यह है, संवेदना से संबंधित कथन सत्य है। पहला है, यह उच्च मानसिक क्रिया है। दूसरा, संवेदी ज्ञान में पूर्व अनुभव संचित रहता है। फिर क्या है, इस संवेदना से संबंधित कथन सत्य है, इसमें विभेदीकरण का गुण पाया जाता है, इसका आभास मात्र होता है। डियर गाइस, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, इस प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हमें ये करना है कि कौन सा कथन, यहाँ पे ये सेट करना है हमें कि कौन सा कथन असत्य है, यहाँ कौन सा कथन असत्य है ये करना है। प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है, संवेदना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो यह उच्च मानसिक क्रिया होती है, नहीं, यह प्रारंभिक मानसिक क्रिया होती, उच्च मानसिक क्रिया नहीं होती, अतः यह स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा है, संवेदी ज्ञान में पूर्व अनुभव संचित होता है। संवेदी ज्ञान में पूर्व अनुभव संचित नहीं रहता, बल्कि जब प्रत्यक्षीकरण की अवस्था में बालक आता है तब उसमें पूर्व ज्ञान संचित रहता है, अतः विकल्प बी भी गलत है। इसमें विभेदीकरण का गुण पाया जाता है, यह भी गलत है, क्योंकि हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं वह प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से करते हैं। अतः ऊपर से तीनों विकल्प गलत हैं और विकल्प चार हमारा सही उत्तर है, अर्थात इसका क्या होता है, संवेदना का आभास मात्र होता है, संवेदना से संबंधित। यहाँ पे जो है, क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन सत्य ही यहाँ पे सही टाइप हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन सत्य ही पूछा गया है, संवेदना से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, सत्य है तो ये इससे सत्य होगा और ये सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। अतः इसमें पूछा है संवेदना से संबंधित कथन सत्य होगा, अर्थात संवेदना का सही इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। डियर गाइस, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी, वहां पे सत्य सही लिखा था, ठीक है, तो ये हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, इसको छोड़कर ये जब आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहां से आपको प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं भी मालूम चल जाएंगी और इससे इस पंक्ति के माध्यम से आपको संवेदना के बारे में जानकारी हो जाएगी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। थर्स्टन एवं लिकर्ट मापन संबंधित है। डियर गाइस, मैंने आपको अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता एक चैप्टर पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, उसमें आपने देखा था कि मैंने बताया था कि आवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किसने किया था, आवृत्ति का सर्वप्रथम मापन थर्स्टन ने किया था 1927 में। कब किया था आवृत्ति का मापन सर्वप्रथम किसने किया था, थर्स्टन ने किया था 1927 में। और यही जो है थर्स्टन ने किया था कब, 1927 में सर्वप्रथम इसका मापन किया था, किसका, अभिवृत्ति का किया था। अतः जब आप थर्स्टन से संबंधित पकड़ लेते हैं तो अगला आंसर भी उसी से कोरिलेटेड है, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, अभिवृत्ति होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अभिवृत्ति इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है लिकर्ट मापन, यह प्रश्न कई बार यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाता है लिकर्ट एवं थर्स्टन मापन किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपके अभिवृत्ति से।
ओके गाइस, तो यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी और आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे, क्योंकि जिन्होंने मेरा लेक्चर कायदे से सुना है और जिन्होंने वो नोट्स, जिनके पास वो नोट्स उपलब्ध है, जिसको आपने वेबसाइट से स्टडी 91 से आपको अपलोड करना है, 75 रुपये का नोट्स है साइकोलॉजी का, वो आप अपलोड करके या डाउनलोड करके उस PDF को प्राप्त कर लीजिए, उसमें सारी बातें अंकित की गई हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीन डिब्बा परीक्षण संबंधित है। अब तीन डिब्बा परीक्षण किससे संबंधित है? तो यह काफी पुराना चैप्टर हो गया, क्योंकि इसको मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, हो सकता है आप भूल गए हों। तो तीन डिब्बा परीक्षण जो संबंधित होता है, यह बेसिकली संबंधित होता है हमारे सृजनात्मकता से। किससे संबंधित होता है? सृजनात्मकता से संबंधित होता है। और सृजनात्मकता के जनक कौन है? सृजनात्मकता के जनक जो है वो है टोरांस, जिसे हम लोग ईपी टोरांस भी कहते हैं, अर्थात इनका पूरा, इसके जनक जो हैं, सृजनात्मकता के जनक ईपी टोरांस माने जाते हैं। और तीन डिब्बा परीक्षण सृजनात्मकता से संबंधित है। इसके साथ साथ सृजनात्मकता के जो तत्व हैं, वह है आपका मौलिकता, कौन सा है? मौलिकता, नवीनता और मौलिकता, नवीनता और धारा प्रवाहिता या प्रसार, धारा प्रवाहिता या प्रसार, ये इसके क्या होते हैं? प्रमुख तत्व होते हैं। अतः हम लोग इसके साथ यह भी कोरिलेट करें कि मौलिकता, नवीनता और धारा प्रवाहिता की बात अगर आएगी तो यह क्या होगा? यह आपके सृजनात्मकता से संबंधित होगा। इसके साथ साथ कभी कभी पूछा जाता है कि सृजनात्मकता का, सृजनात्मक चिंतन जो होता है, उसका प्रथम सोपान क्या होता है? तो डियर गाइस, इसका प्रथम सोपान जो होता है वह होता है आयोजन या प्लानिंग। और अगर यही आयोजन या प्लानिंग जो होता है, यह सृजनात्मकता का प्रथम सोपान होता है। क्वेश्चन एक बार घुमा के अगर आपसे पूछा जाएगा, 6-8 में एक बार प्रश्न पूछा गया है, जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मकता का प्रथम सोपान क्या है? तो जी वॉल्स के अनुसार जो सृजनात्मकता का प्रथम सोपान है, वह है आपका उपक्रम। क्या है? उपक्रम सृजनात्मकता का प्रथम सोपान है। अतः आप लोग जानते रहिएगा कि अगर बेसिकली हिट करके क्वेश्चन करे कि जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मकता का प्रथम सोपान क्या है, तो वो हो जाएगा उपक्रम। और अगर सामान्य तरीके से पूछता है सृजनात्मकता का प्रथम सोपान क्या है, तो वह उत्तर हो जाएगा आपका आयोजन। ओके गाइस, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसमें कोई ऐसी समस्या है। तो सृजनात्मकता के जनक कौन है? ईपी टोरांस है। तीन डिब्बा परीक्षण किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता के तत्व क्या है? मौलिकता, नवीनता, धारा प्रवाहिता, नमनीयता इत्यादि इसके तत्व है। और इसका प्रथम सोपान क्या है? सृजनात्मक प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? आयोजन। और जी वॉल्स के अनुसार अगर पूछता है तो उसके प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? उपक्रम। ओके गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं बिना समय जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ओके गाइस, मानसिक उद्वेलन, मानसिक उद्वेलन अथवा विचाराविशेष का संबंध है। मानसिक उद्वेलन अथवा विचाराविशेष का संबंध है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, और यह क्वेश्चन तो टेट और नेट, टेट के साथ साथ आपका नेट में भी पूछा गया यह प्रश्न है। पूछा जाता है कि मानसिक उद्वेलन, क्षमा कीजिएगा, मानसिक उद्वेलन जो है, ये मानसिक उद्वेलन अथवा विचाराविशेष का संबंध होता है। तो यह आप जानते रहिएगा, मानसिक उद्वेलन या विचाराविशेष का संबंध जो होता है, वह आपका होता है किससे? निश्चित तौर पर यह आपका जो संबंधित होगा, इसका एक, इसमें एक विकल्प आपका कुछ नहीं होगा। और यह मैं आपको जो बता दूं, मानसिक उद्वेलन या विचाराविशेष का संबंध जो होता है, वह सृजनात्मकता से होता है। किससे होता है गाइस? सृजनात्मकता से होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं मानसिक उद्वेलन, ये चारों विकल्प ही गलत हैं इसमें, ये चारों विकल्प ही गलत हैं इसमें। और इसका सही उत्तर क्या होगा? सृजनात्मकता। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि मानसिक उद्वेलन क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्म की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ब्रेन स्टॉर्म की प्रक्रिया जो होती है सृजनात्मकता में होती है, क्योंकि वहां पर हम नवीन तथ्यों के बारे में सृजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अतः मानसिक उद्वेलन अथवा विचार विशेष, अर्थात विचारों की बात जहां महत्वपूर्ण होती है, वह किससे संबंधित होगा? सृजनात्मकता से संबंधित होगा। ये चारों विकल्प ही यहां पे क्या हैं? चारों विकल्प ही ये हमारे रॉन्ग हैं। इस तरीके से आप इसको नोट करते चलिएगा, इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सृजनात्मकता। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। अब आपको बताना है यह कौन सा कथन अधिगम से संबंधित नहीं है। अब आपको पहली बात तो आप ये ध्यान दे दीजिएगा कि अधिगम से संबंधित कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला दिया है यह एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। डियर गाइस, मैंने आपको बताया था कि अधिगम जब व्यक्ति करता है तो उसका कोई क्या होता है, एक निश्चित गोल ओरिएंटेड होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है, तब अधिगम की प्रक्रिया करता है। सपोज दैट आप टेट की तैयारी कर रहे हो, अर्थात आप अधिगम की प्रक्रिया पढ़ने के तौर पर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इट इज आल्सो टाइप ऑफ लर्निंग या आपकी सीखने की प्रक्रिया है, किंतु इसका भी एक निश्चित उद्देश्य है। क्या अगर आप टेट के अभ्यर्थी न होंगे तो क्या चाइल्ड साइकोलॉजी को आप इतने डेप्थ से या इतना सीरियस होकर देखेंगे इस वीडियो को? बिल्कुल नहीं देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं देखेंगे, लेकिन इतनी डेप्थ तरीके से आप नहीं देखेंगे। अतः यह एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सत्य है। क्या है? यह एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सत्य है। और हमें क्या पता करना है, हमें कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में पता करना है। दूसरा क्या है, यह सभी प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। तो डियर गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अधिगम की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। सपोज दैट इतने सारे के सारे लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो जब लेक्चर सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोगों को सारी बातें ग्रैस्प हो जाती, सारी बातें ग्रहण कर लेते हैं आप। किसी को 70% अडॉप्ट होता है, किसी को 80% अडॉप्ट होता है, किसी को 50% अडॉप्ट होता है। तो हर आदमियों के क्या होते हैं, एक्सेप्ट करने की क्षमता अलग अलग होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह अधिगम की प्रक्रिया जो होती है यह भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न तरीके से पाई जाती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 या विकल्प नंबर बी जो होगा यह आपका असत्य कथन है। दूसरा क्या है, यह अर्थात अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सत्य है। यह प्रत्येक प्राणियों में अलग अलग तरीके से संचालित होती है, अतः यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। नेक्स्ट क्या है, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है। गेट्स महोदय ने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो व्यवहार परिवर्तन अधिगम की बड़ी पेटेंट परिभाषा है। इस परिभाषा से दो परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन, यह गेट्स ने कहा था। और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह बात कहा था स्किनर साहब ने। ओके गाइस, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, अर्थात यह सभी प्राणियों में क्या होता है, समान रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि सभी प्राणियों में यह भिन्न भिन्न तरीके से प्रक्रिया संचालित होती है। अर्थात अधिगम की प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान रूप से नहीं पाया जाता है। ओके गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्राथमिक तत्व क्या है। अब देखिए, जितने भी तत्व दिए गए हैं ये सारे के सारे तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित हैं, यह बात आप लोग जानते ही हैं। आपने अगर लेक्चर अटेंड किया है तो आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा अभिप्रेरणा वाला वीडियो थोड़ा सा इको साउंड के कारण आप बहुत लोगों की शिकायतें थी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, एडजस्टमेंट करिएगा, क्योंकि उसमें बाकी सारी बातें लिखी गई हैं और जिन्होंने नोट्स ले लिया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों से आई एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ। क्योंकि अभिप्रेरणा का प्राथमिक तत्व क्या है, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वह होता है m इक्वल टू n प्लस d प्लस i। m इक्वल टू क्या होता है, n प्लस d प्लस i, अर्थात मोटिवेशन इक्वल टू नीड मतलब आवश्यकता। और यह क्या हो जाता है, आवश्यकता होता है। दूसरा पॉइंट जो है डिराइव मतलब होता है अंतर्नोद या चालकता, इसे आप अंतर्नोद या चालकता भी कह सकते हो। और तीसरा है इंसेंटिव, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन या कार्योत्तर वृद्धि, हम लोग इससे कहते हैं। तो कार्योत्तर वृद्धि या प्रोत्साहन जो होता है, कार्योत्तर वृद्धि या प्रोत्साहन भी इसका प्रमुख तत्व होता है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपको जो जज करना है, इसमें यह बताना है कि कौन सा प्राथमिक तत्व है। डियर गाइस, हमारे अंदर अभिप्रेरणा का जो संचार होता है वह हमारी रुचि के साथ साथ हमारी आवश्यकता को बहुत महत्वपूर्ण करता है। सपोज दैट अब अभी मैंने एक एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले बताया, और आप ये महसूस भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी तो पहली बात तो आप उस कार्य को करने में रुचि नहीं लेंगे। सपोज दैट आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर वह क्या करेगा, एक लिमिटेड समय के बाद आप रोक देंगे। लेकिन जब वह जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपके लिए अत्यंत और नितांत आवश्यक होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मोटिवेशन, यह पहला तत्व होता है मोटिवेशन का। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या होगा, आवश्यकता होगा।
क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अतः आवश्यकता के कारण ही हम क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। अर्थात इसका इंपैक्ट हमारे आवश्यकता के कारण ही हमारी अप्रेरणा ज्यादा प्रभावशाली होती है। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो हमारी अप्रेरणा एक निश्चित समय के बाद जाने की क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि अप्रेरणा का प्राथमिक तत्व क्या है, तो वह तत्व हो जाएगा आवश्यकता। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग इसको देखते चलिएगा और निश्चित तरीके से मैं आपके उत्तर का वेट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास सिद्धांत के स्तर के अंतर्गत नैतिकता का निर्धारण स्वनियंत्रण से निर्देशित होता है। भी मैं उन लोगों से इसका उत्तर निश्चित तरीके से प्राप्त करना चाहूंगा जिन्होंने स्पेशली कोहलबर्ग पढ़ाने के लिए मुझे रेकमेंड किया था। सर कोहलबर्ग पढ़ाइए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगर आता है तो आप तुरंत अपना रिप्लाई करें, अगर नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नैतिक विकास सिद्धांत पहली बात तो आप यह जान लीजिएगा, जिन दोस्तों को मालूम है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सबसे पहली बात यह क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो डियर गाइस, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन थे? लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग साहब ने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग इसके प्रतिपादक थे। और इन्होंने कहा था कि किस स्तर के अंतर्गत नैतिकता का निर्धारण जो होता है वह क्या हो जाता है, स्वनियंत्रण, अर्थात स्वनियंत्रण से निर्देशित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नैतिकता का जो प्रथम चरण होता है वह क्या होता है, दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, अर्थात जिसे हम लोग प्राक रूढ़िगत स्तर कहते हैं। जबकि मध्य रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत क्या होता है, जो दूसरे को के मानकों का है उसके अनुसार हम लोग तो रेगुलेट होते ही होते हैं, लेकिन उन नियमों, उन कानूनों, उन व्यवस्थाओं को हम लोग क्या करते हैं, आत्मकृत कर लेते हैं, आंतरिकृत कर लेते हैं, इंटरनलाइजेशन कर लेते हैं। किंतु हम लोग स्वनियंत्रण नैतिकता अपने आधार पर निर्धारण कब करते हैं, उत्तर रूढ़िगत अवस्था में। अतः हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 होगा, इसका सही उत्तर होगा उत्तर रूढ़िगत स्तर, अर्थात उत्तर रूढ़िगत के स्तर के अंतर्गत नैतिकता का निर्धारण क्या होता है, स्वनियंत्रण तथा स्वनिर्देशित होता है। किसके अंतर्गत? यह हमारे नैतिकता के उच्चतम स्तर अर्थात कोहलबर्ग के उच्चतम स्तर उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत। और आप लोग एक भी बात और जानते रहिएगा कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो 4 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया था। प्राक रूढ़िगत स्तर के बच्चों का जो उन्होंने टाइम पीरियड रखा था वो 4 से 10 वर्ष रखा था, और इसके साथ साथ उन्होंने मध्य रूढ़िगत स्तर जो रखा था वो 10 से 13 वर्ष का रखा था, और जो सबसे लास्ट में रखा था उत्तर रूढ़िगत स्तर, इसका टाइम पीरियड इन्होंने 13 से 16 वर्ष रखा था। अर्थात अपने नैतिक विकास सिद्धांत का जो इन्होंने वर्गीकरण किया है वो कितने स्तरों में किया है, मुख्यतः 3 स्तरों में किया है। ओके गाइस, तो इस तरीके से नैतिकता स्वनियंत्रित कब हो जाती है, उत्तर रूढ़िगत स्तर में। अतः अब हम लोग बिना समय जाया किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इसका उत्तर आपको मालूम हो गया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परंपरागत अनुबंधन किस अधिगम सिद्धांत का स्वरूप है। डियर गाइस, यहां पे हमें यह बताना है कि क्लासिकल लर्निंग किससे संबंधित है। तो नो डाउट यह आपको आ गया होगा कि परंपरागत अनुबंधन किसका स्वरूप है, किस सिद्धांत का स्वरूप है। तो मैं आपको बता दूं कि यह वह अधिगम सिद्धांत होता है जिसमें क्या करता है, प्राणी अपने आप को अधिगम से कोरिलेट करके अनुकूलित कर लेता है, और अनुकूलित करने के कारण इस विकल्प का सही उत्तर होगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम लोग परंपरागत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। और परंपरागत शब्द से यहाँ पे एक सेंस आप और निकाल सकते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय का मतलब भी होता है परंपरागत, अतः शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को हम लोग परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। या तो इसे आप शास्त्रीय शब्द का अंग्रेजी जो होता है, इंग्लिश जो होता है वो होता है क्लासिकल, जबकि परंपरागत का सही शब्द होता है क्या कह सकते हैं, कस्टम से होता है, प्रथाओं से रिलेटेड होता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्योंकि इस बात को हम लोग थोड़ा सा प्रूव करते हैं। वह इसलिए क्योंकि जब हम लोग क्या कहते हैं, पावलोव ने जब एक्सपेरिमेंट किया और कुत्ते के सामने क्या किया, भोजन देने के लिए पहले तो भोजन वैसे स्वाभाविक तरीके से दे दिया जाता था, लेकिन एक अवस्था ऐसी आई जब उस घंटी बजाने के बाद भी उसे क्या हुआ, भोजन प्राप्त होने से पहले उसके मुंह में लार आना चालू हो गया, अर्थात उसने क्या किया, परंपरा का अनुसरण किया, अनुकूलित कर लिया अपने आप को। अतः इसका सही उत्तर होगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत।
सो ऑप्शन नंबर वन सही होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है, बीएफ स्किनर है। कौन है? बीएफ स्किनर है। और इसी को पुरस्कार एवं दंड सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरस्कार एवं दंड सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद के जो जनक थे कौन थे? वर्दिमर थे। इसके प्रयोगकर्ता जो थे वो कोहलर थे। और कोफ्का जो है इसको ऊंचाई पर ले जाने का काम किया था या इसके विकास में विशेष योगदान किया था। ये तीन लोग जो है गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत माने जाते हैं। और एसआर सिद्धांत जो था यह किसका था? थार्नडाइक का था। और इसी को हम लोग प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी कहते हैं। किसको? एसआर सिद्धांत को। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत अगर पूछ लिया जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा ईएल थार्नडाइक का। तो डियर गाइस इस तरीके से ये चारों सिद्धांत आप याद करके रखिएगा क्योंकि ये चारों ही मनोवैज्ञानिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और आपके पाठ्यक्रम में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है। अब आप बताएंगे यह क्वेश्चन पिछली बार आया था और बहुत सारे लोगों ने यह क्वेरी की कि यह स्किनर का सिद्धांत है, लेकिन डियर गाइस ऐसा नहीं है। यह सिद्धांत बेसिकली पावलोव का है। प्राचीन अनुबंधन से कब है? जैसे जब हम कहते हैं परंपरागत अनुबंधन, तो परंपरागत जो होता है या परंपराएं जो होती है वो हमारी प्राचीनता से संबंधित होती है या पूर्व से रिलेटेड होती हैं। तो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की बात अगर कही जाएगी तो इसका सही उत्तर होंगे आईपी पावलोव। हालांकि कुछ बीटीसी की किताबों में, कुछ एकेडमिक बीटीसी किताबों में यह बात गलत उत्तर दे दिया गया है कि स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था, जबकि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत सही उत्तर है इसका आईपी पावलोव। ओके, तो अगर पूछा जाएगा प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के जनक की बात कही जाएगी तो इसके उत्तर कौन हो जाएंगे? आईपी पावलोव। और पावलोव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप लोग और जानते रहिएगा, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके साथ साथ ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ओके गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तो अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको लग रहा हो कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट को वॉच कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि विज्ञान तथा गणित के लिए ज्यादा उपयोगी होता है? गाइस, हमने आपको शिक्षण एवं शिक्षण विधियों का जब वीडियो पढ़ाया था तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि एक विधि होती है निगमन विधि। निगमन विधि को हम लोग क्या कहते हैं? यह विज्ञान तथा गणित विषयों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है क्योंकि यह नियम से उदाहरण की ओर प्रवाहित होती है। किससे? नियम से उदाहरण की ओर। और जो विज्ञान और गणित होता है इसमें हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं। अतः यह विधि जो होती है विज्ञान तथा गणित विषयों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ अगर उत्तर आ जाए कि उच्च कक्षाओं के लिए कौन सा महत्वपूर्ण विधि होती है तो यह भी निगमन विधि ही होगी। इसके जनक कौन थे? इसके जनक आपके थे अरस्तु। इस प्रश्न के उत्तर होंगे अरस्तु। और आगमन विधि के जनक जो थे वो थे आपके फ्रांसिस बेकन। कौन थे? फ्रांसिस बेकन। और ये दोनों ही शिक्षण विधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके टेट के दृष्टिकोण से। तो फ्रांसिस बेकन इसके कौन से हो जाएंगे? इसके सही उत्तर हो जाएंगे फ्रांसिस बेकन। ओके गाइस, बाकी व्याख्या विधि है, संश्लेषण विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है और उस पर फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम लक्ष्य है। देखिए यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे कई चीजें रिकवर हो जाएंगी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी यहीं से कोरिलेटेड है। और आप ये जानते रहिएगा संप्राप्ति का न्यूनतम लक्ष्य की बात कर रहा है ना, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम लक्ष्य। यह प्रश्न यूपी टेट 2017 प्राइमरी में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? यूपी टेट 2017 प्राइमरी में पूछा गया है यह प्रश्न। और किसमें पूछा गया है? प्राइमरी में पूछा गया है। क्लियर गाइस, इसका सही उत्तर होगा ज्ञान। ज्ञान जो होता है हमारे संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम लक्ष्य होता है, जबकि तुलना पृथक्करण अनुप्रयोग यह हमारे ज्ञान के और मैच्योर्ड अवस्थाएं हैं। ये क्या है? मैच्योर्ड स्टेप्स हैं। आपको मैं बताता चलूं वो अनुक्रम क्या है जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति को आप सिक्वेंस सेट करेंगे। तो पहला है ज्ञान, दूसरा क्या है? अवबोध, फिर है अनुप्रयोग, और उसके बाद अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग के बाद क्या होता है? विश्लेषण होता है। और विश्लेषण को ही में ही हम लोग क्या करते हैं?
पृथक्करण करते हैं, क्या करते हैं पृथक्करण करते हैं, और फिर है संश्लेषण। संश्लेषण में ही हम लोग क्या करते हैं तुलना करते हैं, जो तुलना होती है वो संश्लेषण से ही संबंधित होती है, और इसके बाद होता है मूल्यांकन। तो ये जो इतने स्टेप हैं इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो स्टेप है इसको क्रमिक तरीके से कभी भी एग्जामिनर सेट करके आपसे पूछ लेता है। तो प्रथम स्टेप क्या होगा ये अवबोध हो जाएगा, सेकेंड तो आप कह सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फाइव है, और ये सिक्स है। इस सीक्वेंस को आप याद इसलिए रखिएगा कि 2018 यूपी टेट में एक प्रश्न और पूछ लिया था, इसे हम लोगों को क्या करना था सीक्वेंस सेट करना था। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, आप अगर न समझ में आ रहा हो तो तत्काल तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, और यहाँ से तोड़ मरोड़ करके कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये आपको जानते होंगे कि बुद्ध शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, निश्चित तरीके से आप लोगों के उत्तर विनय की तरफ आ रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, इसका सही उत्तर गाल्टन है। बुद्ध शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो गाल्टन ने किया था, और गाल्टन ने कब किया था ये 1885 में किया था। डियर गाइस 1885 में किया था, जबकि विनय साहब ने जो प्रयोग किया था वो 1904-5 में किया था। कब किया था 1904-5 में किया था। तो बुद्ध शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग करने की बात आ जाएगी तो फ्रांसिस गाल्टन की आ जाएगी। ये वही गाल्टन है जिन्होंने वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय या वैयक्तिक भिन्नता का प्रयोग या संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया था, और उनकी पुस्तक कौन है द हेरिडिटी जीनियस। ओके गाइस, तो अब लोग हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी आप जानते हैं बुद्धि लब्धि का फार्मूला जो है टर्मन से रिलेटेड है, थर्स्टन है इसके, फिर थर्स्टन ने समूह कारक बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पिछली बार यूपी टेट में ये पूछा गया प्रश्न है, जो पूछा गया था यूपी टेट में वो यह पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान, मैंने अपने प्रश्न बनाया है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान क्या है, जबकि इसके पहले प्रश्न जो पूछा गया था वो यह पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। तो डियर गाइस मैंने आपको बताया था कि ये तीन ऊपर से ये जो तीन चीजें दी गई हैं यह आपके सोपान है। प्रथम सोपान क्या होता है, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप, अर्थात सोपान जो या लैडर जो होता है फर्स्ट स्टेप, सॉरी स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होता है यह आपका होता है योजना बनाना। सेकेंड स्टेप क्या होता है शिक्षण करना, यह हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप, क्या हो जाएगा यह आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा, जबकि प्रतिपुष्टि जो हो जाएगा यह आपका थर्ड और अंतिम हो जाएगा, थर्ड या कह सकते हैं लास्ट स्टेप कहते हैं इसे हम लोग, थर्ड या लास्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा प्रतिपुष्टि, या जिसे हम लोग कहते हैं फीडबैक, इसी को हम लोग फीडबैक कहते हैं, इसको योजना को हम लोग प्लानिंग कहते हैं, शिक्षण को हम लोग टीचिंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीन मौलिक स्टेप होते हैं, याद रखिएगा योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि, यह इसके तीन सोपान हैं। अब प्रथम मध्य और अंतिम सोपान के तरीके से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है आपकी परीक्षा में। और इसके साथ साथ सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन थे, या मैं आपको बताया हूं पिछले लेक्चर में सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक थे वो कौन थे डी एलन साहब थे। कौन थे डी एलन साहब थे, और डी एलन ने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया, कब किया था 1961 में, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। किस मनोवैज्ञानिक ने मंद बुद्धि बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया था, या शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया था। तो डियर गाइस मंद बुद्धि बच्चों पर या मेंटली रिटायर्ड बच्चों पर जिन्होंने अपने शिक्षण को शिक्षा का विशेष एक्सपेरिमेंट किया था, वह कार्य किया था मारिया मॉन्टेसरी ने। किसने किया था मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। और आज जितने भी मॉन्टेसरी ग्रुप ऑफ स्कूल जितने भी हैं, जैसे सीएनएस लखनऊ है, अन्य जगह पर जो सिटी मॉन्टेसरी के ब्रांचेस हैं, यह इन्हीं की देन है। और मारिया मॉन्टेसरी की एक बड़ी अच्छी पुस्तक है अ डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, क्या है अ डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। अ डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड में इन्होंने क्या किया है मंद बुद्धि बच्चों पर, मेंटली रिटायर्ड बच्चों पर विशेष कार्य किया था। 1839 में यह भारत की यात्रा पर भी आई थी। कब आई थी 1839 में यह भारत की यात्रा पर आई थी। यह मूल रूप से जो थी कहाँ की थी इटली की थी, कहाँ की थी इटली की थी, और इटालियन थी। और दूसरी बात फिर दूसरे विकल्प पे जो है फ्रोबेल है, इनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है एजुकेशन ऑफ मैन, और इन्होंने भी प्राथमिक स्तर के शिक्षण से संबंधित किया था। किंड शिक्षा में किंडरगार्टन प्रणाली जो है, किंडरगार्टन प्रणाली इन्हीं की है। रूसो को आपको मैंने बताया है प्रकृतिवादी शिक्षा के जनक माने जाते हैं, जबकि प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है, आइडियलिज्म का जनक माना जाता है। और इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है कौन सी द रिपब्लिक, कौन सी है द रिपब्लिक, यह किताब इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है।
द रिपब्लिक, यहां नोट कर लीजिएगा द रिपब्लिक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहां पे, द रिपब्लिक इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह आपके समझ में आएगा, मंदबुद्धि बच्चों से अगर बात आ जाएगी, प्रश्न आ जाएगा तो कौन होगा, मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। डियर गाइस, मैंने जब शिक्षण विधि आपको बताया था तो मैंने बताया था कि शिक्षण विधियां वे विधियां होती हैं जो किसी पाठ्य वस्तु को सुगम सरल सहज से प्रस्तुति करने में विशेष योगदान करती हैं। क्या करती हैं, किसी भी पाठ्य वस्तु को प्रस्तुतिकरण करने में जो विशेष सहयोगात्मक, जो विशेष स्ट्रेटजी होती है, जो प्लान होता है या जिसके आधार पर हम उसे प्रस्तुतिकरण करते हैं, वह हमारी शिक्षण विधियां होती हैं। और शिक्षण विधियां के, शिक्षण विधियों के अंतर्गत जिन नियमों का अनुसरण होता है, हम लोग उसे शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रकार के शिक्षण सूत्र दिए हैं और एक क्या दिया है, शिक्षण विधि नहीं है, सॉरी शिक्षण विधि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट से सामान्य जो होता है, या सॉरी विशिष्ट से सामान्य जो होता है यह आपका क्या है, शिक्षण सूत्र है। विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र है, यहाँ पे शिक्षण विधि नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पे ये तीनों क्या है, हमारी शिक्षण विधियां हैं और यह क्या है, शिक्षण सूत्र है। तो विकल्प नंबर वन क्या हो जाएगा, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात यह क्या है, यह शिक्षण सूत्र है, जबकि संश्लेषण, आगमन से निगमन, ये सारी की सारी चीजें क्या है, यह हमारी शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात फिर से एक बात जान लीजिएगा कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं, या शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत जिन नियमों का अनुपालन होता है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत उनके जो आंतरिक नियम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं, जबकि जिसके अंतर्गत किया जाता है ये सब क्या होती हैं, शिक्षण विधियां होती हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, साखी अभिक्रमित अन्वेषण के जनक कौन है। मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिसे हम लोग कहेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या अभिक्रमित अन्वेषण विधि जिसे कहते हैं, इसके जनक तो स्किनर थे, लेकिन मैंने आपको बताया था इसके दो ब्रांच हैं, लीनियर और ब्रांचिंग। तो लीनियर के जनक बीएफ स्किनर थे, लेकिन साखी अभिक्रमित अन्वेषण के जनक कौन थे, साखी अभिक्रमित अन्वेषण के जनक जो थे वो थे आपके क्राउडर। क्राउडर किसके थे, साखी के हैं, जबकि स्किनर किसके हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं। किसके जनक हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक जो हैं वह कौन है, स्किनर हैं। अतः इस प्रकार से विकल्प नंबर वन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, क्योंकि इसके उत्तर जो हैं वह रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जबकि सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था, सिडनी एल प्रेसी ने किया था। और डी एलन को आप लोग जानते हैं, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था, या सूक्ष्म शिक्षण का इन्हें जनक माना जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। तो सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन का आविष्कार किया था, स्किनर को रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का जनक माना जाता है, जबकि साखी अभिक्रमित अन्वेषण का जनक क्राउडर को माना जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ। यह बात मैंने सूक्ष्म शिक्षण वाली वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बताया था और लिखकर बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यह प्रयोग किया गया था, सूक्ष्म शिक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यह किया गया था आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। कहां किया गया था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया था। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया था, कब किया गया था, यूएसए में किया गया था। और कब किया गया था, 1961 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, डी एलन के द्वारा, जो प्रतिपादक थे किसके, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक थे। अतः इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी सही होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान भी दिया होगा कि ये सारे प्रश्न हमारे नोट से में मिल जाएंगे और ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके गाइस, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस के सेट खत्म हुए। और निश्चित तरीके से आपको कैसा लगे ये प्रश्नों का सेट, एक बार पुनः आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। और निश्चित तरीके से मैंने अपने दृष्टिकोण से या अपनी क्षमता के अनुरूप वो क्वेश्चन ज़्यादा विशेष तरीके से बनाए थे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, जैसा भी आपको लगा हो वो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, या किसी उत्तर में आपको विवाद लगा हो या कंट्राडिक्टरी लगा हो तो उसको भी हमें इन्फॉर्म करके बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।